वृश्चिक राशि के अपने राशि के स्वामी जो बनते हैं मंगल देव, यही गोचरवश आपके 12वें घर पर गए हैं। इनका यहाँ पर जाना ये मानिए कि कहीं ना कहीं कोई विशेष निवेशों का प्रतिफल, चाहे वो हमने अपने धन का किया हो या अपने कर्मों का किया हो, इसका हमें प्राप्त होने वाला है। आप ये जानिए, आप ये समझिए। साथ ही साथ इसी टाइम पीरियड पर शुक्र और शनि का एक समसप्तक योग भी चल रहा है। इनका प्रभाव आपके दशम भाव से लेकर के चतुर्थ भाव पर हो रहा है। ये दोनों ही ग्रह किस प्रकार से आपके जीवन को लाभान्वित करा सकते हैं, इसी बात को लेकर के ये वीडियो हम लेकर के आए हैं और यहाँ पर आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले समझते हैं मंगल को, जो कि स्वयं वृश्चिक राशि के अपने राशि के स्वामी मंगल देवता बनते हैं। मतलब आपके राशि के स्वामी, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देवता 3 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक 12वें घर पर होंगे। जिनके घर पर होंगे वो शुक्र की राशि है, तुला राशि है, अर्थात तुला राशि वायु तत्व की राशि मानी गई है, और मंगल देव अर्थात आप स्वयं अग्नि तत्व के ग्रह माने गए हैं। आप स्वतः विचार कीजिए, यदि जब हमें अग्नि प्रज्वलित करना होता है तो हमें वायु की आवश्यकता होती है, इस बात को साइंस प्रूव करता है। और इसी बात को समझते हुए मंगल देवता यहाँ पर वायु तत्व की राशि पर गए हैं। मतलब एक अग्नि, एक ज्वाला, एक बढ़ोतरी का एक समावेश आपके जीवन पर आपको देखने को मिलेगा। किसी और राशि के लिए मंगल देवता क्या प्रभाव देंगे, उससे बेहतर आप ये समझिए कि आपके जीवन में मंगल देव कौन है। आपके अपने ही राशि के अधिपति होते हैं। 12वें भाव पर जाकर के विदेशों से जुड़ा हुआ यदि आपके कार्य क्षेत्र हैं, विदेशों में यदि आप कार्य करते हैं, यहाँ पर एक अच्छा प्रतिफल आपको देखने को मिल सकता है। आप ये समझिए, मैं कहाँ रहूँगा भाई, तो मैं रहूँगा या मैं रहूँगी 12वें घर पर, जो कि आपके निवेशों का है। आपने चाहे कर्म का निवेश किया हो या धन का निवेश किया हो, भाई निवेश तो निवेश होता है। हमने अपना एक एक समय दे करके, हमने अपने प्रयासों को एक अच्छे उजागर स्थिति में ले जाने का प्रयास किया है, एक अच्छे बेहतर परिणाम को प्राप्त करने का प्रयास किया है, तो इस हिसाब से 16 नवंबर तक निवेशों का प्रतिफल दिलाने का एक संयोग बन सकता है। दूसरी ओर मंगल भूमि के कारक माने गए हैं, 12वें घर पर जब जा रहे हैं, हो सकता है भूमि या प्रॉपर्टी में आप निवेश भी इस टाइम पर कर सकते हैं। दूसरी ओर यही वो स्थान हो गया जहां पर राशि अपने राशि के स्वामी गए हैं, मतलब आपको स्वास्थ्य में भी ध्यान रखने की आवश्यकता यहां पर होगी। भाई हमारा स्वास्थ्य है, आज अच्छा है, कल बुरा है, कई प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं, लेकिन 12वें भाव का संबंध हॉस्पिटल से होता है, चिकित्सालय संबंधी खर्चों से भी होता है। आपको ये भी आगाह करना चाहेंगे कि अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अब हम समझते हैं इनके दृष्टि संबंध को। आप सभी जानते हैं मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं। इस हिसाब से ये मंगल देवता आपके द्वादश भाव में बैठकर 1, 2, 3, 4 मंगल की एक दृष्टि सीधे आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है इनकी चतुर्थ दृष्टि। तीसरा घर मंगल का घर माना गया है। काल पुरुष की कुंडली में आप उठा करके देखेंगे तो काल पुरुष की कुंडली में तीसरा घर मंगल का ही घर होता है। मतलब साहस में इस टाइम पर आपकी बहुत अभिवृद्धि रहेगी, साहस और पराक्रम इस समय पर अच्छा खासा होगा, और कैसे मैं अपने जीवन को बेहतर बना पाऊँ इस पर आप प्रयास अच्छे ढंग से कर पाएंगे। विशेष तौर पर यह जानना चाहिए मंगल की जो दृष्टि एक और पड़ेगी, सप्तम दृष्टि, वो सीधे आपके छठे भाव पर पड़ेगी। छठे भाव पर मंगल का प्रभाव आना, मतलब रोग, ऋण और शत्रुओं के दृष्टिकोण से आप ये समझिए कि एक प्रकार से बिजली के समान आप रहेंगे। आपके शत्रु इस समय पर हावी नहीं हो पाएंगे, शत्रुओं को परास्त करने का एक अवसर आपको प्राप्त हो पाएगा। यदि आपके पहले से ही कोई लिटिगेशन चल रहे हैं, कोई कोर्ट के संबंधी कार्य चल रहे हैं, तो यहाँ पर मंगल भी आपको सबलता देंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके अपने राशि के अधिपति बनते हैं। कैसे आपके राशि के स्वामी आपको कष्ट देंगे, आप स्वतः विचार कीजिए। दूसरी ओर मंगल के पास एक दृष्टि और है, जिसके हिसाब से ये आपके सप्तम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। सप्तम भाव वो स्थान हो गया जो हमारे परिवार का होता है, हमारे घर का होता है, साथ ही साथ हमारे बिजनेस जीवन का होता है। तो बिजनेस के दृष्टिकोण से इसे बहुत अच्छा मानेंगे। मंगल 12वें भाव से देख रहे हैं, मतलब आपके बिजनेस में कोई आप निवेश भी इस समय पर कर सकते हैं। यदि हम धन लगाने की आवश्यकता है व्यापार में, तो इस समय पर आप धन भी लगा पाएंगे। ये एक प्रकार से अच्छा संकेत मान सकते हैं कि कैसे मैं अपने बिजनेस से लाभ ले सकूं। देखिए आज आप यदि
यदि अपने बिजनेस में अपने व्यापार में धन लगाएंगे तभी तो कल जा करके आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मंगल का 12वें भाव से देखना, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी आपके कार्य में सजगता और गंभीरता आपको देखने को मिलेगी। हाँ, जो लोग पार्टनरशिप का कार्य करते हैं उन्हें कुछ सजगता की आवश्यकता जरूर रहेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पर चलते हैं, ये स्थान जहाँ पर मंगल की सप्तम दृष्टि है वो स्थान नौकरी का भाव भी होता है। तो यदि आप चाहते हैं आपकी नौकरी विदेशों में हो, या फिर आप विदेशों में जॉब करते हैं, या फिर आप अपने नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, इस हिसाब से ये स्थान सही होगा, क्योंकि 12वें स्थान हमारे दूरी को प्रदर्शित करता है और 6ठा स्थान कहीं ना कहीं हमारे नौकरी का होता है, हमारे मेहनत का होता है, इसका भी प्रतिफल प्राप्त होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं अब, जो है सम सप्तक योग। माना जाता है जब कोई ग्रह एक दूसरे से ठीक 180 डिग्री के अंतराल पर उपस्थित होते हैं, उनके पास एक दृष्टि संबंध हो जाता है, इस दृष्टि संबंध को कहा जाता है सम सप्तक योग। इसी दरमियान पर 1 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक ये सम सप्तक योग बनेगा। विशेष बात तो ये हो गई भाई, ये सम सप्तक योग आपके दशम भाव और आपके चतुर्थ भाव पर बन रहा है, जहाँ पर शनि और शुक्र दोनों एक संग स्थापित हैं। शनि ने सातवीं दृष्टि से शुक्र को दृष्टि दिया और शुक्र ने अपनी सातवीं दृष्टि से शुक्र को दृष्टि दिया। मानो कि दोनों ग्रह ही सबसे शुभ ग्रह, सबसे शुभ ग्रह का मतलब ये हो गया दोनों ही मित्र ग्रह हैं आपस में। मित्रों का जब दृष्टि संबंध होता है, आप अपने मित्र के पास नहीं हैं लेकिन आप मित्र को देख रहे हैं और आपको आपके मित्र देख रहे हैं, मतलब कि ये दृष्टि संबंध बन गया। आप उनका बिगाड़ नहीं करेंगे, वो आपका बिगाड़ नहीं करेंगे। कहीं पीछे से कोई शत्रु आया तो आप उन्हें जिस प्रकार से बता देंगे, उसी प्रकार से यहां पर शत्रुओं को रोक पाने का एक अच्छा अवसर यहां पर मिल सकता है। क्या होगा इसका प्रभाव? सबसे पहले आप ये समझिए, दशम भाव पर शुक्र और शनि के प्रभाव को आपके दशम भाव पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। ये हमारे कर्तव्यों का होता है, हमारे कर्म का होता है। काम धंधे में एक स्थिरता कायम होने की संभावना काफी हद तक बढ़ेगी। शनि देवता चतुर्थ भाव से देख रहे हैं, शुक्र को देख रहे हैं, इसका मतलब कैरियर के दृष्टिकोण से अपने कैरियर को आप यदि आजमाना चाहते हैं कहीं और भी तो यहाँ पर शुभता की स्थिति दिखेगी। काम धंधे में यदि प्रतिफल नहीं प्राप्त हो रहा है, क्योंकि शुक्र धन के प्रतीक होते हैं, अब जब धन के कारक ग्रह शुक्र आपके स्वयं कैरियर भाव पर हो गए तो धन का आगमन कहाँ से हो गया? हमारे कर्मों से हमें धन का आगमन हो गया, इस बात को भी समझिएगा। अब यहीं पर समझिए कि शनि का प्रभाव क्या होगा। शनि आपके चतुर्थ भाव पर बैठे हैं और शुक्र का संबंध बन गया, मतलब आप यदि घर में कुछ नया नवीनीकरण करना चाहते हैं अनुकूल समय है, कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं अनुकूल समय है, शनि देवता आपके चतुर्थ भाव पर है। शुक्र सौंदर्य के प्रतीक होते हैं, ऐश्वर्य के प्रतीक होते हैं, हमारे जीवन में शुभता के प्रतीक होते हैं। इनका दृष्टि होना कहीं ना कहीं घर में भी एक अच्छा वातावरण को कायम रखेगा, घर बनाने के दृष्टिकोण से। दूसरा, यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं, शनि का संबंध शुक्र से हुआ है, वाहन इत्यादि के लिए भी अनुकूलता को ही प्रदर्शित करते हैं। माता की के दृष्टिकोण से देखा जाए, जो चतुर्थ भाव का संबंध जब दशम भाव से बनता है तो माता के आशीर्वाद से इस समय पर आपके कार्य बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अभी का जो समय चल रहा है ये इतना परिवर्तनशील है, आपने राशिफल को भी देखा होगा, राशिफल में कई प्रकार के परिवर्तन का संयोग चल रहा है, और इसी परिप्रेक्ष्य में ये शनि और शुक्र का सम सप्तक योग भी हमारे कर्म, हमारे काम धंधे में हमारे प्रोग्रेस की स्थिति को ला करके हमारे जीवन में परिलक्षित कर सकते हैं, परिणित कर सकते हैं, इस बात को जानिए। शनि के पास एक जो और राशि है वो आपके तीसरे घर का है, मतलब आपके काम में, आपके करियर में, आप चाहे व्यापार करते हो या नौकरी करते हो, दोनों में ही आपके साहस मिलने वाला है, क्योंकि मंगल की स्थिति भी आपने जाना। दूसरी ओर यही शुक्राचार्य जी महाराज आपके 12वें घर के मालिक हैं और साथ ही साथ लीजिए आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, मतलब कि व्यापार और कर्म क्षेत्र के अलावा दूसरा कोई विकल्प, अच्छा विकल्प आपके सामने नहीं होगा। कौटुंबिक वातावरण को अच्छा बनाने के लिए भी, क्योंकि सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य जीवन को प्रदर्शित करता है, आपके पति या पत्नी जो आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी हैं उनके साथ मिल करके आप अपने कार्य को एक नया निर्देश प्रदान कीजिए, एक नई दिशा लीजिए। माना जाता है कि यदि हम अपने जीवन साथी का साथ ले लेते हैं अपने कर्तव्य क्षेत्र में तो निरंतरता शीघ्रता से आगे बढ़ती है हमारी सफलता, और इसी बात को समझते हुए आपके सप्तमेश आ गए हैं आपके दशम भाव पर।
उम्मीद है आपने इसे समझा है, आपने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। हर बार की भांति अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।